घर की बाकी चीज़ों की तरह हम अपने शूज़ को भी अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके ना रखें तो जल्दी गंदे, ख़राब और डीशेप तो हो ही जाते हैं और टाइम पर मिलते भी नहीं। सो इनकी भी प्रॉपर सीज़न के अकॉर्डिंग केयर और ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही ज़रूरी है। सो आज की वीडियो में स्पेस सेविंग आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हुए ज़्यादा जूते कम स्पेस में डीक्लटर्ड और ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैसे मैनेज किए जा सकते हैं, सो लेट्स वॉच इन टूडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका शूरैक खोल के आप देखेंगे कि क्या हाल हुआ पड़ा है। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं और ख़ासकर मेडिकल के स्टूडेंट्स, वो अपनी इन चीज़ों की केयर मुझे लगता है कम ही कर रहे होते हैं। ये देखें कैसा मेसी हुआ हुआ है, कोई जोड़ा, कोई जूता कहीं है और कोई कहीं है, और इस तरह ढूंढने में भी मुश्किल होती है। तो इस तरह सबसे पहले मैंने उसके शूज़ जो हैं, ये उसकी चप्पलें हैं जो डेली रूटीन में वो पहन के जाती है, तो सारी बाहर निकलवा ली हैं। अब पहले तो इनको जोड़ा जोड़ा करना मस्ट है, ताकि ये है कि एक दूसरे से मिलें तो सही, और उसके बाद उनको किस तरह से मैनेज करके रखना है। अब ये ट्रे को इतनी बड़ी नहीं है, तो ये तरीका है एक शूज़ को दूसरे के अंदर एडजस्ट करके फिर रखने का। तो सारे शूज़ को पेयर करके फिर इस तरह से एक दूसरे के अंदर फंसा के, तो इस तरह से मैं रख लूँगी ताकि कम स्पेस में उसके शूज़ जो हैं पेयर हो के ईज़िली इधर उधर भी ना हों, हिलें भी ना, और ज़्यादा शूज़ आ सकें थोड़ी जगह पर। ये कोई ट्रे इतनी बड़ी नहीं है, स्लाइड कर जाती है अंदर की तरफ और इजीली बाहर इसको निकाल के तो शूज़ हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह कम से कम जो हैं 12-15 जो शू पेयर्स हैं वो इस तरह आ जाते हैं। वैसे डिब्बों में हम रख रहे हो, एक तो डिब्बे खोल खोल के चेक करो जब कहीं जाना है, और दूसरा जी इस तरह डिब्बे जो हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं और रखने की भी जगह। तो ये नीचे वाली ट्रे है, इसी तरह से मैं नीचे वाली ट्रे को भी एडजस्ट कर लूँगी ऐसे जैसे ऊपर वाली की है। तो उसका ये शू रैक तो हो गया डन। अब उसका दूसरा वाला जो कंपार्टमेंट है जिसके अंदर उसने खुस्से और कुलापुरी वगैरह रखे हुए हैं, अब उसकी बारी है। तो वो भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि उस बेचारे का भी क्या हाल हुआ पड़ा। तो ये देखें आप, मुझे आप ढूंढ के बताएं एक का पैर दूसरे के साथ, तो इतना मुश्किल हो रहा था। और मुझे इतनी इरिटेशन होती है कि जब इस तरह हुआ हो, मेरा भी ख़राब हुआ वह रैक आप चलकर देखें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। खैर, इसको भी मैंने इस तरह से खुसा लिया, एक को दूसरे में ऐसे फंसाया, एक के मुंह को दूसरे में, तो इस तरह से वो एडजस्ट हो गया। और इसी तरह ही बाकी के खुसे भी जो हैं उसके मैं लाइन अप करके रख दूँगी इस तरह से। तो अब ये इतनी छोटी सी ट्रे है, लाइक ये 1 फुट बाय 2 फुट की ट्रे होगी, लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर कम से कम मैंने 10 से 12 उसके जो खुसे हैं वो एडजस्ट कर दिए हैं। खुसे भी उसने हर शूज़ के साथ मैच करके करने होते हैं। तो ये इस तरह से नीचे वाली ट्रे भी है, तो तकरीबन आप सोचें अगर इसको टोटल मिलाया जाए तो ये टोटल 4 फीट जगह बनती है, जिसके अंदर मैंने तकरीबन उसके आप कह सकते हैं 10 से 12 एक जगह पर और 10 से 12 नीचे वाली, तकरीबन उसके 20 से 24 तक उसके खुस्से और कोलापुरी मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिए हैं। तो ये है मेरा क्लोज़ेट उसके लिए, शूज़ के लिए। इसका मैं आज आपको बताऊंगी कि ये मैंने काफ़ी देर से साफ़ नहीं किया, तकरीबन ईद गुजर गई है, तब से 2 माह होने को आए हैं, और ये देखें ज़रा इसका ये हाल हुआ पड़ा है। क्योंकि अक्सर मैं अपनी हाउस हेल्प को किरण को कह रही होती हूँ कि किरण मुझे तुम शूज़ ला दो, फलां शूज़ ला दो, तो वो फिर ऐसे रैंडम रख लेती है। लेकिन इसके मैंने 3 कंपार्टमेंट्स इसीलिए बनाए हुए हैं कि मैं इनको इनके यूज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकूं। लाइक ये सबसे ऊपर वाला है, तो ये जो कैजुअल वेयर्स हैं उसके लिए रखा हुआ है कि फ़ौरी तौर पर अगर कोई चप्पल या सैंडल चाहिए तो मुझे यहाँ से ला दो। और दूसरा ये जो रैक है, ये मैंने रखा हुआ है थोड़े से फॉर्मल वेयर के लिए, लाइक हील्स जो है आप पहनते हैं कहीं बाहर जाने के लिए। और ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले को मैंने इसलिए रखा हुआ है कि इसमें जो है वो विंटर की, यानी कि विंटर अब नहीं है, तो उसके जो जितने भी बंद शूज़ हैं ना, पंप्स हैं और इस तरह से जो हैं लॉन्ग शूज़ हैं, वो सारे मैंने नीचे के लिए रखे हुए हैं क्योंकि अभी ये यूज़ में नहीं है। तो लेकिन अब ये चूँकि मैं 2 महीने से इसको हाथ नहीं लगाया, तो इसका ये हार हुआ पड़ा और ये मिक्स हुई हुई है। तो आज हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, साफ़ करेंगे, और मैं आपको बताऊँगी कि इसको मैंने कैसे सेटल किया हुआ है अपने डेली यूज़ के लिए। जी, तो अब ये आपने देखा जैसे कि 3 मेरे ये इसके रैक्स हैं, लेकिन मेरे रैक्स जो हैं वो थोड़े से पुराने हो गए हैं, इसलिए उनकी स्लाइडिंग को इतनी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले नीचे वाला जो विंटर वेयर वाला है वो मैं एडजस्ट करा लेती हूँ, क्योंकि उसको जो है वो हमारे डेली यूज़ में नहीं है। तो ये देखें कितना गंदा हुआ पड़ा है, ये बहुत देर से सर्दियों से इस्तेमाल नहीं हुआ, इस वजह से इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा पतली हुई हुई है। तो इसको सबसे पहले मैं अच्छे से साफ़ करा लूँगी, फिर उसके बाद ऊपर की बारी आएगी।
तो सबसे पहले ये किरण ने साफ़ कर दी ट्रे, ये थोड़ी सी बाहर निकाली, इतनी अच्छी तो स्लाइडिंग इसकी नहीं है, जंग लगा हुआ ज़रा थोड़ा सा इसको, तो ये इसको मैंने अच्छे से साफ़ करवा लिया और अब ये साफ़ हो गया है। तो साफ़ होने के बाद अब ये जो है जोड़े, उतनी देर में उसने जोड़े जोड़े कर दिए थे, तो अब ये जोड़े जो हैं वो एडजस्ट कर देगी। इसमें सारे ये मेरे पंप्स हैं, ये सारी जितनी भी ब्लॉक हील्स हैं और जितने भी ये सारे म्यूल्स वगैरह हैं, जितने लॉन्ग शूज़ हैं, ये सब आप देख रहे हैं, तो ये आजकल तो यूज़ में नहीं है, तो फिर इस तरह इनको मैंने सबसे नीचे वाले खाने में एडजस्ट करवाया है ताकि ये नीचे बैठ कर निकालना मुश्किल ना हो। जो आजकल के पहने हैं वो मैंने ऊपर वाले रैक्स में एडजस्ट करवा दिए हैं। तो अब ये नीचे वाला तो हो गया है डन, अब इस तरह से कुछ इसकी लुक आई है, इसको मैंने ऊपर नीचे एडजस्ट करा दिया वरना मेरे भी पूरे नहीं आ रहे थे। तो अब ये सबसे ऊपर वाला कैजुअल वेयर्स वाला सैंडल्स वाला चप्पलों वाला जो रैक है उसको मैं अब सही करवाऊंगी। ये सबसे पहले वो निकाल रही है, निकाल के इनका पहले वो जोड़ा जोड़ा करेगी, फिर रैक साफ़ करेगी। तो रैक इस तरह से साफ़ हो जाता है और उतनी देर में उसने ये जोड़े भी कर लिए हैं सारी चप्पलों के। ये सैंडल्स हैं, चप्पलें हैं, घर में आम पहनने वाले हैं, बाज़ार वगैरह कहीं जाना ना हो, मैचिंग कोई लॉन के सूट के साथ हो, तो इस तरह के हैं। तो साफ़ करने के बाद अब वो इनको सारे को ऑर्गेनाइज़ कर देगी इस तरह से एक दूसरे के साथ रख के लंबी लाइन में, क्योंकि ये ट्रे भी जो है तकरीबन 2x4 feet की आप कह सकते हैं, टोटल इसकी हो गई आप कह सकते हैं 8 feet। तो 8 feet के अंदर अब आप जोड़े चेक कर लें कि कितने आ रहे हैं, ये तकरीबन इनकी कितनी लाइंस बनेगी, 3 लाइनें बन रही हैं और एक लाइन में 5 जोड़े हैं, तो इसका मतलब 15 तो एक लेयर में आ गए, तो इसकी आप डबल लेयरिंग भी कर सकते हैं। तो एक रैक में 15 शूज़ आ गए, ये समर के हैं और सैंडल्स हैं सारे और कैजुअल वेयर्स के हैं। तो इस तरह से इनका भी काम हो गया। अब ये जो सेंट्रल वाला मेरा खाना है ना, ये थोड़ा फिक्स है, लाइक इसकी जो स्लाइडिंग है तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, इसको मैंने परमानेंट फिक्स करा दिया हुआ है। उसकी वजह से इसके अंदर से सफाई करना भी मुश्किल होता है और इसके अंदर शूज़ रखना भी मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है इन जो पार्टी वेयर हैं और जो जिनको बहुत कम हम यूज़ करते हैं, लाइक कहीं फॉर्मली कहीं जाना हो, ये ब्लॉक हील्स हैं, उसके बाद ये पॉइंटेड हील्स हैं, या इस तरह के और दूसरे जैसे वेजेस होती हैं जिनको हम बहुत कम, ये लेसेस टाई करने वाली, इनको हम बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, ये फैंसी वेयर वाली, तो इनको फिर मैंने इस रैक में एडजस्ट किया है, क्योंकि ये रैक थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है और कभी कभी ये इस्तेमाल होने वाली ये हील्स हैं, तो इसलिए मैं फिर साफ़ करवा के इनको इस रैक में रखवा देती हूँ। तो इस तरह से ये भी ऑलमोस्ट जो है मेरी पूरी इसमें आ जाती हैं, जो कि मैं, और दूसरी बात ये कि जब इसको मैंने साफ़ करवाया है तो ये फ़ायदा हुआ कि तकरीबन 2 बड़े बैग बड़े बड़े शॉपर भर के मैंने निकाले हैं, जो कि मैं अब इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो नए ही, क्योंकि बहुत कम यूज़ होते हैं या जब ये इस तरह आ रहे हों तो फिर वो मैंने जिसको भी ज़रूरत होगी वो मैं उसको वो दे दूँगी। तो इस तरह से ये मेरा भी शू रैक ऑर्गेनाइज हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये काम हो गया डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, और आप सब ने मुझे ग्रीट किया ईद के लिए, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और जिस जिस ने मुझे ग्रीट किया उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सो महक फ्रॉम चूनिया, राबिया फ्रॉम लाहौर, ये थे आज की वीडियो के कॉमेंट मैनर। आप भी चाहते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, न्यू व्यूअर्स चैनल से आकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, और अपना बहुत सारा ख्याल करें और बहुत सारी ईद की खुशियों के साथ, दुआओं के साथ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।